मास्टर्स अपने डांसिंग स्टार्स को लेकर प्राउड फील करते हैं और ग्रैंड मास्टर अपने स्टार को लेकर। ये जो जोड़ी है आई थिंक ये लियारी की जान है एक्चुअली, वो इसी से डांस इंडिया डांस बनता है। ग्रैंड मास्टर हमारे जय जो भाई साहब है, हर मोमेंट पे खींचते रहते हैं, हर परफॉर्मेंस के बाद खींचते रहते हैं, उनसे कुछ ना कुछ करवाते हैं। जैसे लास्ट टाइम आपने देखा कि हमारे साथ उनको ऑफबीट डांस करवाया। दादा हर टाइम जय का टांग खींचते रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत एंजॉय करती हूँ दोनों को देख के। आपने मेरे दिल की बात छीन ली, मेरे पास तो एक ही था ऑफबीट, उसको ट्रिब्यूट दिया। मैं आज तक ये किसी के साथ नहीं किया हूं, तेरे लिए करूंगा। सभी कंटेस्टेंट्स एक अलग ही प्रेशर में रहते हैं, पर अच्छा लगता है जब दादा और जय के बीच में केमिस्ट्री, एक मस्ती होता है, एक एंटरटेनमेंट होता है जो हमें बहुत ही सुकून देता है, एक स्माइल आती है चेहरे पे। ज्वालामुखी की बात रही तो मेरे पास भी एक ज्वालामुखी है। बहुत मजा आता है जब दादा उनको ऐसे लुक करके देखते हैं और जय भैया भी उनको देखते हैं। दादा के लिए तो जय उनका सुपरस्टार है, कुछ भी करवाना हो तो वो जय को सामने डालते हैं। ज्वालामुखी किसे कहते हैं अब देखिए। म्यूजिक ये सब कहते हैं कि गीता माँ के गैंग से पॉल और मैं टॉम जेरी हैं, वी रिप्रेजेंट देम, बट आई थिंक डीआईडी सीजन 3 में दादा एंड जय फिट द टॉम एंड जेरी क्वेश्चन वेरी वेल। अच्छा आपने ये बॉडी बनाई ना कब से? नहीं दादा, इज हॉट एंड हैपनिंग। नहीं मैं तो चल गया। नहीं दिख रहा, चल रहा है। नहीं नहीं ठीक है नो प्रॉब्लम यार। I would say that Jay और दादा की chemistry season 1, season 2 कछुआ dance बहुत सारा dance करके किया है, और जय भी उसकी मतलब ऐसा पीछे हटने वाला आदमी नहीं है, वो भी दादा को एकदम मुफ्त जवाब देता है। जय और दादा के बीच में एक boyish chemistry है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप कितना भी मुझे बसंती की तरह नचा ले, लेकिन एंड में जब मास्टर गीता मेरी तारीफ करती है ना, आए हाय हाय आपका चेहरा मतलब मजा आ जाता है। जय इज यंग एट हार्ट ऑफ कोर्स बिकॉज़ ही इज यंग, but dada gets younger at heart when he's with jay, so that's what we like to see. Well dada aur mera rishta kuch alag hi hai, and pata nahi jab bhi masti ki bari aati hai to mere bare mein khayal aata hai. Acha ek bar chadh ke ek lift dikha de bas. जितनी भी खुन्नस हमें जय के लिए होती है वो सारी दादा निकाल लेते हैं। ऐसी तसल्ली होती है जब दादा उससे ये सब कुछ कराते हैं। थैंक यू दादा, ऐसे ही आप करते रहिए, ऐसे ही उसको ठीक से लाइन पर लाते रहिए। लेकिन मुझे लगता है अब आपको थोड़े कुछ इनोवेटिव तरीके सोचने पड़ेंगे, अब कुछ उससे कुछ ऐसा अजीबोगरीब कराइए जो हमने पहले कभी नहीं किया। तो मैं काम करती हूँ दादा को कुछ जाके आइडियाज़ देती हूँ, लेकिन जय को मत बताना। इंडिया, डांस इंडिया, डांस।